थाना बीटा 2 पुलिस और लुटेरे बदमाश के बीच थाना क्षेत्र के B3 से परिचौक जाने वाले सर्विस रोड पर हुई पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गई गोली पैर में लगने के कारण बदमाश बंटी निवासी अलीगढ़ को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के कब्जे से लूटे हुए 2 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा में 1 खोखा व 2 जिंदा कारतूस व एसेंट कार बिना नंबर प्लेट बरामद की गई है। घायल बदमाश पर लगभग 1 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं और ये बीटा 2 थाने से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा था। बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसके साथ ही 3 पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं, जिसमें एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुआ था। बदमाश के आपराधिक इतिहास व अन्य जानकारी की जा रही है। देखिए, आज रपुरा पुलिस मिर्जापुर कट के पास चेकिंग कर रही थी, इसी दौरान एक ग्रे कलर की स्कूटी आती हुई दिखाई दी। जब पुलिस पार्टी ने उसको रोकने का प्रयास किया तो उसने बैरियर पे धक्का मारते हुए बदमाश आगे की ओर बढ़ा और पुलिस पार्टी पे फायरिंग किया। आगे जब पुलिस पार्टी ने घेराबंदी की तो इसने पुनः पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। इसी फायरिंग के दौरान बचाव में काउंटर एक्शन में इस बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसका नाम राहुल है, जो मछली शहर जौनपुर का रहने वाला है। ये गैंग बना करके काम करता है। इसके गैंग में 4 सदस्य हैं। ये लोग 2-3 सदस्य नीचे खड़े होते हैं और एक ड्राइवर रहता है। कोई भी सवारी के साथ ये घुल मिल जाते हैं और उनको गाड़ियों पर बैठा लेते हैं और आगे ले जा करके लिफाफे में उनके चेकिंग के नाम पे उनका पैसा रख लेते हैं तथा उसके पश्चात धक्का दे करके इसको यात्री को फेंक देते हैं। पूर्व में भी ये घटना एक फौजी के साथ रपुरा थाना क्षेत्र में हुई थी, उसी घटना को इसने स्वीकार किया है। इसके 3 साथी हैं, उसके लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। इसके ऊपर लगभग 0.5 दर्जन मुकदमे हैं। कई जिलों में इसने घटनाएं कबूल की हैं। अन्य प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है। गहनता से पूछताछ की जाएगी और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।